शरीर से हजारों देवियां प्रकट हुई और देवता को मारने लगी। सब देवता घबराए। भगवान भोलेनाथ को कहा क्या किया जाए, तो भगवान ने कहा उसको मनाना है तो उसकी प्रार्थना करो। प्रार्थना से भगवान, संत, गुरु, माता पिता सब खुश होते हैं। तो सब ने मिलकर जगदम्बा को कहा अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। अरे बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। मैंने हीरो का हार जो बनवाया, मेरी माँ को पसंद ना आया, मेरी माँ को पसंद ना आया। मैंने हीरो का हार जो मंगवाया, मेरी माँ को पसंद ना आया, मेरी माँ को पसंद। तुझे हीरो का हार, तुझे फूलों का हार पसंद आया। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे क्या कहा जाए। अम्बे कहा जाए, जगदम्बे कहा जाए, बोल मेरी माँ तुझे भगवती की प्रार्थना किया। जगदम्बा ने कहा मैं तुम्हें एक शर्त से माफ कर सकती हूं, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। भगवान भोलेनाथ ने इंद्र को कहा कि जो पहला मिले उसका मस्तक उतार कर लाओ। एक हाथी का बच्चा सामने से आ रहा था, उसका मस्तक उतार दिया और गजानन के मस्तक पर चढ़ा दिया। भगवान शिव ने
भगवती का नाम लेके अंजलि पानी छिटके उस बालक जैसे कोई सोया हुआ आदमी जगता है इस तरह खड़ा हो गया। सब देवों ने जय जयकार किया। अगर भगवान भोलेनाथ ने उसका नाम रखा, बोल ये गजानन गणपति भगवान की जय। तब से भगवान शिव ने वरदान दिया कि सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। हे गजानन, चाहे देव हो, चाहे कोई शुभ काम हो, कोई विवाह हो, कोई कथा हो, कोई कीर्तन हो, कोई भी पूजन हो, पहले तुम्हें याद किया जाएगा, तुम्हारा पूजन होगा। जो तुम्हारा पूजन किए बिना, तुम्हारा कीर्तन किए बिना, तुम्हें याद किए बिना कोई भी कोई शुभ कार्य करेगा उसमें विघ्न आएगा। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नौ दिवस की कथा निर्विघ्न पूर्ण हो। जो भी यहाँ भक्तगण, संतगण, जो भी देवी देवता, जो भी ऋषि मुनि, जो इस गांव के देवता, सभी से प्रार्थना करते हैं कि इस कथा निर्विघ्न पूर्ण हो और हर दिन संतों का आशीर्वाद मिलता हुए, क्योंकि संत ही भगवान को प्रिय है। भगवान को आप पूछिए कि आपका जन्म किस लिए होता है, आप समाज में क्यों आते हैं, आपको मानव बनने का कारण क्या, तो भगवान भी कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु कृपानिधि सज्जन धीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन धीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन धीरा, हर ही कृपानिधि सज्जन धीरा। शंकर भगवान से माँ भवानी पूछती है कि भगवान का जन्म लेने का कारण क्या, तो भगवान भोलेनाथ कहते पार्वती, जब जब धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि कब होती है, अधर्म बढ़ जाए, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, विभिचार बढ़ जाए तो धर्म घटता है, अधर्म बढ़ जाता है। अधर्म उस लोगों को परेशान करता है, देवी शक्ति सज्जन लोगों, सज्जन माने संत, अभिमानी लोग धरती को परेशान कर देते हैं माने गायों, और असुर लोग साधु ब्राह्मणों को परेशान करते हैं। जब गाय, साधु ब्राह्मण और धरती दुखी होती है तो भगवान कोई ना कोई रूप लेकर आते हैं। कृष्ण को गीता में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपका जन्म लेने का कारण, तो कृष्ण ने भी यही बताया, परित्राणाम साधुनाम दुष्कृता विनाशाय धर्म स्थापनार्थे युगे युगे संभवामी अर्जुन। मैं साधु संतों के लिए, गायों के लिए और ब्राह्मणों के लिए आता हूं। मैं रावण को मारने के लिए, कंस को मारने के लिए, कौरव को मारने के नहीं नहीं आता हूं। ये तो मेरे लिए कचरा है, ये तो मेरे लिए कीड़े मकोड़े है, मैं तो अपने संतों के लिए आता हूं। इसलिए महाभारत में राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को कि तुम्हारे जो सगे संबंधी, तुम्हारे कुटुंब आते हैं, उनको तुम खिलाओ, उनके जूठे उठाओ, मैं तो संतों का ही जूठा उठाऊंगा, क्योंकि संतों ने मुझे भगवान बनाया। संत कभी नहीं बोलते हम भगवान है, और जो संत कहे भगवान वो संत नहीं हो सकता है। संत तो खुद भगवान का रूप है, मगर वो कभी नहीं बोलते हम भगवान है, क्योंकि भगवान एक ही होता है, दो चार नहीं। माँ एक ही होती है, दो चार नहीं। गंगा एक ही होती है, दो नहीं। धर्म एक ही होता है, दो नहीं। धर्मे रक्षतो रक्षता। कृष्ण कहे कि तू मेरी माला नहीं करेगा तो चलेगा, मंदिर में नहीं जाएगा तो चलेगा, मगर मेरा धर्म छोड़ेगा तो धर्म ही तुझे मार डालेगा। धर्मे रक्षतो रक्षता, धर्मे हनंता हनंते। अर्जुन मुझे धर्म बहुत प्यारा है, जो धर्म के साथ विरुद्ध चलता है तो मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे बेटे ने धर्म का विरुद्ध काम किया तो मैंने उसको मार डाला,
मेरे भांजे ने धर्म के विरुद्ध काम किया तो अभिमानी को मरवा डाला, मेरी बहन ने धर्म के विरुद्ध किया तो मैंने घर को छोड़ दिया, मेरे माता पिता ने धर्म के विरुद्ध बात की मैंने माँ बाप छोड़ दिया, क्योंकि मैं धर्म के लिए आता हूं, धर्म ही मेरा जीवन है। और भगवान कहते हैं धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना, नहीं पाता का असत्य समाना, नहीं असत्य संपातक पूजा, गिरि सम हो यदि कोटिक गुंजा, ओ गिरि सम हो यदि कोटिक गुंजा, समाना धर्म न दूसरा सत्य समान, ओ धर्म न दूसरा सत्य समान, ओ धर्म न दूसरा सत्य समान। इसलिए सजनों भगवान संतों के लिए आते हैं, और इस संत भगवान का रूप होते हैं, उसको कहना नहीं पड़ता मैं भगवान हूं। और संत लोग कभी सुंदर नहीं होते हैं, उनको श्रृंगार नहीं करना होता है, उनके वस्त्र उनके आभूषण उसका श्रृंगार होता है। हम संसारी लोग सुंदर लगते हैं बाहर से, पर अंदर से हमारा मन ठीक नहीं होता है। और संत लोग बाहर से सुंदर नहीं होते मगर अंदर से बहुत सुंदर होते। देखिए उनका कोई रूप नहीं होता है, क्योंकि भगवान कहते जो मेरे अपने होते हैं उनका कोई रूप नहीं। संत सरल होते हैं, संतों में अभिमान नहीं होता है, इसलिए भगवान कहते हैं संत मुझे बहुत प्रिय है, उद्धव मोहे संत प्रिय लागे। मुझे इस दुनिया में मेरी माँ मुझे देवकी माता नंद बाबा यशोदा माँ भी इतने प्यारे नहीं जितने मुझे संत प्यारे हैं, क्योंकि संत ही एक ऐसे है जो भगवान की पहचान करा सकता है। संत कभी अपनी पूजा नहीं कराता है, संत कभी अपने आप को भगवान नहीं कहता, क्योंकि संत ही भगवान का रूप है। इसलिए भगवान राम ने सबरी को कहा, सबरी ने कहा कि मुझे भक्ति करना हो, तुम्हें जानना हो, तुम्हें मिलना हो, तो मैं क्या करूं? तो भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मां, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तज गान, ओ मंत्री जापे मम दृढ़ि विश्वास, पंचम भजन सो विद प्रकाशा, पंचम भजन सो विद प्रकाशा, ओ षठ गम शील बीरति बहु करमा, षठ गम शील बीरति बहु करमा, नीरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सजन धर्मो, सातव समय मई जग देखा, सातव समय मई जग देखा, मोती संते अधिक करी लेखा,